तो दही डालने के बाद जो टिंडे में जो कलर आता है बहुत ही लाजवाब आता है। सब्जी का जो कलर होता है, कलर देख के बंदा जो है ना खाने की तरफ प्लेट बढ़ाता है। दोस्तों, हम पेज की रसोई में आप सभी का है स्वागत। आज हम टिंडे की रेसिपी लेके आए हैं, दही वाले टिंडे बनाएंगे। जो लोग टिंडे खाना पसंद नहीं करते वो आप खाना स्टार्ट कर देंगे, ट्राई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं भी बचपन में नहीं खाती थी, अब खाती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं, सबको पसंद आते हैं। बच्चे थोड़ा सा करते हैं लेकिन वो हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। तो यही रेसिपी आप सभी से शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दही वाले टिंडे किस तरीके से। दही वाले टिंडे बनाने के लिए यहाँ पर हमने दो प्याज लिया है और वो हमने ये लंबी स्लाइसेस में कर रखा है। एक कटोरी दही लिया है, यहाँ पर लिया है हमने अदरक लहसुन और ये 6 से 7 लहसुन की कलियाँ थी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसको हमने लंबे वाले स्लाइसेस में कर रखा है। 4 से 5 हरी मिर्ची ली है हमने और यहाँ हमने लिया है 1/2 किलो टिंडा। इसको हमने धो के अच्छे से क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है इसको। तो ये हमने अभी सारी चीज़ें ली हैं। टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टमाटर नहीं डालेंगे। हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने डाल दिया इसमें तेल। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा 1 चम्मच डालेंगे इसमें। डालेंगे हम ये टिंडे। साथ में डाल देंगे ये प्याज, जो हमने 2 प्याज को बारीक काट रखा था। डालेंगे अदरक और लहसुन। डालेंगे हम नमक 1 चम्मच। अब इसको हम पका लेते हैं 5 मिनट तक। हमारी प्याज और टिंडे काफ़ी अच्छे से जो है ना पक चुके हैं। प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे मसाले। डाल रहे हैं हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने ये ली है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब साथ में डाल देंगे हम 1/2 चम्मच तीखी वाली मिर्ची, कर लेते हैं मिक्स। कश्मीरी लाल मिर्ची से कलर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम हल्का सा डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 चम्मच के करीब, ताकि जो मसाला हमने डाला है वो जले ना। और जब आप मसाला डालो तो गैस को आप स्लो रखिएगा, मीडियम पे या हाई पे हमने मसाले नहीं डाले वरना जल जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मसाले को अच्छे से पका लेंगे। काफी अच्छे से पक चुका है, अब यहाँ पर हम डालेंगे दही। दही डालने के बाद इसमें उबाल आ चुका है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और गैस को रखेंगे स्लो। तो इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार ही चेक कर लेते हैं टिंडे हमारे पके हैं या नहीं। तो एक बार ही चेक कर लेते हैं ये पके हैं या नहीं टिंडे। तो टिंडे हमारे जो है ना हल्के से कच्चे हैं, इनको हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे।
मिनट पकाने के बाद हमारे टिंडे अब बिल्कुल तैयार हैं। सब्जी हमारी बहुत बढ़िया से बनके तैयार हो चुकी है। ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी लग रही है और तेल है वो ऊपर छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम जो लास्ट में डालेंगे, तो हमने हरी मिर्ची ली थी वो डाल देते हैं इसमें, साबुती ही डालेंगे इसमें। अब यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया, गैस को हम कर देंगे बंद और सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया टिंडे बने हैं दही वाले, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। तो आप भी झटपट से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारे जो टिंडे दही वाले वो आपको कैसे लगे। तो बहुत ही बढ़िया से बने हैं, देखिए ग्रेवी जो है इतनी ज़बरदस्त बनी है इसकी। देखिए हमारी जो सब्जी है बनके तैयार हो चुकी है, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ ऐसी चटपटी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।